एलएसी पर गतिरोध वाली जगह से भले चीनी सैनिकों के 1.5 किलोमीटर पीछे खिसकने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चीन कब पलटी मार जाएगा इस बात का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक घाटी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए चीन ने हमेशा हमेशा भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। फिर चाहे वो घुसपैठ करना हो या फिर 15 जून की रात को हुए खूनी संघर्ष में सबसे पहले भिड़ना, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। यही कहावत यहाँ चरितार्थ तब हो गई जब एक चीनी चैनल ने ही चीन की बखिया उधेड़ कर रख दी, वो भी गलती से। लद्दाख में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाला तीर चलाना सरकारी टीवी चैनल CCTV4 को तब महंगा पड़ गया जब उसने सोमवार की रात को सैटेलाइट से मिली तस्वीरें जारी की। CCTV4 ने दिखाया कि मई महीने में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय इलाके की तरफ वैध गतिविधियों से रोकने का प्रयास किया था। CCTV4 पर दिखाए गए प्रोग्राम में भारत के एक हेलीपैड और गलवान नदी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर शिविर दिखाए गए हैं। ये समुद्र से करीब 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सैनिक और हेलीपैड वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय इलाके में थे। माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने जबरन भारतीय सैनिकों को भारत की तरफ और पीछे किया, साथ ही हेलीपैड और उसके आसपास के इलाके को कब्जा लिया। 16 जून की तस्वीरों में साफ दिखा कि भारतीय पक्ष ने खूनी संघर्ष के दौरान वहां बनाए गए चीन के शिविर को नष्ट कर दिया। हालांकि 25 जून आने तक चीन ने गलवान नदी के आसपास अपनी निर्माण गतिविधि को और बढ़ा दिया, और चीन के दावे के बाद अब भारत का वो दावा मजबूत हो गया जिसमें भारत ने कहा था कि चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। आपको याद हो तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि चीनी पक्ष ने मई महीने में भारत के सैनिकों की परंपरागत गश्त को रोकने की कोशिश की। अब CCTV4 की इन तस्वीरों से भारत की ये बात सच साबित हुई। गलवान घाटी में ठीक एक महीने बाद इसी जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से इनकार कर दिया था।